मध्य प्रदेश सरकार हर घर पीने का पानी मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए से नल जल योजना बनाकर हर घर पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, मगर ठेकेदार और पंचायत इन योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। रतलाम की ग्राम पंचायत राजपुरा के धावई पाड़ा में बीते एक वर्ष से ग्रामवासियों को नल जल योजना में एक बूंद पीने का पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीण 2 से 3 किलोमीटर दूर हैंडपंप या तालाब से पानी ला रहे हैं। वर्तमान में नल जल योजना की लाइन भी डल चुकी है, मगर इंतजार है तो पीने के पानी का। गर्मियों में हालात और भी भयानक हो जाते हैं, जहां हैंडपंप भी सूख जाते हैं, फिर सिर्फ बरसाती तालाब से ही पानी लाना पड़ता है। नल जल योजना में जहां कुछ क्षेत्रों में पानी आ रहा है, तो वहां भी कम प्रेशर के चलते कुछ ही देर पानी आता है, जिसमें ग्रामीण कुल 2 या 4 बर्तन ही पानी भर पाते हैं। पंचायत में 2 बड़ी पानी की टंकी बनाई गई है, जिनमें कम दबाव के चलते पानी नहीं चढ़ता। हो गया, इसको पानी एक बूंद भी नहीं आया है। तो फिर पानी की समस्या आती होगी। हाँ आती है ना, फिर कहाँ से लेके आते होंगे पानी? तो बहुत दूर से हैंडपम्प भी बंद हो जाते हैं, कहीं जा फिल्टर प्लांट पे पानी भरने जाते हैं, वो वहाँ से पानी लेके आते हैं। पूरा पंचायत तो गांव कौन सा है? भाईपाड़ा। यहाँ नल जल योजना में कितना कार्य हुआ है और पानी आता है कि नहीं आता? नहीं आवे पानी। कितने साल हो गए? और कहाँ लगा था, कहे काम अधूरा पड़ा है। 2-3 बार पीएचसी में भी गए थे, तो पाइपलाइन ने जो डाली है गांव में वो अभी सही तरीके से डली नहीं है, वो लीकेज है, वो सही पानी नहीं पहुंच पा रहा, इस वजह से पाइप बंद पड़ा है। कितनी टंकियां बनी हुई है ग्राम पंचायत में टोटल? अभी एक राजपुरा में है और एक धावी पाड़ा में। अच्छा, दोनों की पूरी कंप्लीट हो गई है कि अधूरी? अधूरी है दोनों, हैंड ओवर नहीं हुई है पंचायत को।